वो दिन जापान के लिए इतिहास का सबसे खौफनाक दिन था। उससे घातक और खौफनाक ना पहले कभी कुछ हुआ था, ना उसके बाद आज तक कभी हुआ। उस दिन जो हुआ उसे जापान कभी नहीं भुला पाएगा। साल था 1945, तारीख थी 6 अगस्त। अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा शहर पर एटम बम गिरा दिया। नमस्कार, मैं निखिल स्वागत करता हूँ आप सभी का चेतना मंच के इस सेगमेंट में जिसका नाम है डेट। आज की डेट पर इतिहास के पन्नों को पलटने पर पता चलता है कि कितना दर्दनाक था 6 अगस्त जापान के लिए। 6 अगस्त यानी आज के दिन 1945 में अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा शहर पर सुबह 8:15 पर परमाणु बम यानी कि एटम बम गिराया था। साल 1945 आते आते वर्ल्ड वॉर टू की वजह से जापानियों की ज़िंदगी बहुत मुश्किल हो चुकी थी। जापान के पास कुछ भी खाने पीने तक के लिए नहीं बचा था। पेट्रोल डीजल की कीमत आसमान छू रही थी, जिसकी वजह से आम लोग पेट्रोल और डीजल तक नहीं खरीद पा रहे थे। रोड पर लोग केवल पैदल चलते दिख रहे थे। मिलिट्री के टैंकों के अलावा कोई और दूसरा वाहन रोड पर नजर नहीं आ रहा था। 6 अगस्त की सुबह 7 जापानी रडार में एक सायरन बजा और ये सायरन उनकी तरफ आते अमेरिकी विमानों का था, लेकिन 8:00 विमान वापस लौट गए। जापान को इस बात का बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि ये शांति आने वाली तूफान से पहले की शांति, लेकिन इस बार विमान अपने साथ लिटिल बॉय नाम का एक एटम बॉम्ब लेकर आ रहा था और 8:15 पर हवाई जहाज से उसे गिरा दिया गया। इस बम को नीचे पहुंचने में 43 सेकंड का वक्त लगा। उस समय हवा इतनी तेज बह रही थी कि बॉम्ब अपने निर्धारित टारगेट से 250 मीटर दूर जाकर फटा, और जब ये फटा तो यहाँ का टेम्परेचर 10,00,000 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुँच गया। इस बात से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि बॉम्ब कितना खतरनाक था। पूरा हिरोशिमा ध्वस्त हो गया। ये बम धमाका होते ही शहर के 80% यानी कि 80,000 लोग, गौर कीजिएगा, एक बार में 80,000 लोग अपनी जान गंवा चुके थे। वहाँ एक धुएं का गुबार बन गया जो कि एक मशरूम की तरह दिख रहा था। इसे डेथ मशरूम भी कहते हैं। इस दर्दनाक मंजर के बाद शहर में जो भी बचा उसकी ज़िंदगी किसी नर्क से कम नहीं रही। अमेरिका यहाँ भी नहीं रुका। इसके बाद 9 अगस्त को नागासाकी में भी परमाणु बम गिराया गया और उसमें 40,000 लोगों ने अपनी जान गंवाई। लेकिन क्या आपको पता है कि अमेरिका ने ऐसा क्यों किया? अमेरिका ने ये बम हिरोशिमा और नागासाकी पर क्यों गिराया? इस सवाल पर कई मत हैं। आपको बता दें कि 1945 में जापान अमेरिका के बीच तनाव बहुत ज़्यादा बढ़ चुका था। जापान ने इंडो चाइना इलाके पर कब्जा करने की नीति बनाई जिससे अमेरिका उससे बहुत खफा था। तो फिर जापान से आत्मसमर्पण कराने के लिए अमेरिका ने यह हमला किया। उस समय के अमेरिकी राष्ट्रपति हैरी ट्रूमैन ने जापान को इससे पहले चेतावनी भी दी थी कि अगर वो समर्पण नहीं करेगा तो अमेरिका जापान की किसी भी शहर को पूरी तरह से नेस्तनाबूत करने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि अगर जापान उनकी शर्तें नहीं मानेगा तो हवा में बर्बादी की बारिश देखने के लिए तैयार रहे। लेकिन उन हालातों में जापान ने कोई समझौता नहीं किया, जिसका परिणाम उसे बाद में भुगतना भी पड़ा। आखिर अमेरिका ने इन दोनों शहरों को ही क्यों चुना? हिरोशिमा और नागासाकी को चुने जाने के पीछे कई कारण थे। हैरी ट्रूमैन चाहते थे कि बम ऐसी जगह गिराया जाए जिससे जापान की युद्ध क्षमता को ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान हो सके, और हिरोशिमा इसके लिए सबसे अच्छी जगह थी। इस शहर में देश के सबसे बड़े सैन्य आपूर्ति भंडार गृह थे। आपको बता दूं, इन दोनों शहरों में रेडिएशन का असर इतना हुआ कि आज भी लोग वहां विकलांग पैदा होते हैं। लेकिन अब जापान उस समय से उभर कर बदल चुका है और सबसे एडवांस देशों में गिना जाता है। आज की डेट में इतना ही। मिलता हूँ आपसे अगली डेट पर। अपना ख्याल रखिएगा।